सी मीडिया लखनऊ। अब खबर एक और विवाद से जुड़ी। स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली स्वायत्त संस्था एनसीईआरटी चर्चाओं में है और इस चर्चा की वजह एनसीईआरटी का ताजा फैसला, जिसमें 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया। इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने एनसीईआरटी के तार आरएसएस से जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें अयोध्या विवाद, बावरी और गुजरात हिंसा जैसे शब्दों से जुड़ा बड़ा फैसला किया गया। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखें। इस साल अयोध्या में भगवान राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे। सदियों से विवादों में उलझे अयोध्या की दशा और दिशा बदल गई और इसी की झलक अब इतिहास के पन्नों में भी दिखने लगी है। एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब में अयोध्या के इतिहास को संशोधित किया है। पहले अयोध्या विवाद लिखा जाता था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। अब बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। 4 पन्नों वाले विवाद को 2 पन्नों में समेट दिया गया है। कार सेवा, रथ यात्रा का जिक्र चैप्टर से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के फैसले को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने इस कदम को एनसीईआरटी के बजाय आरएसएस का फैसला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एनसीईआरटी अब पेशेवर संस्था नहीं रही। 2014 से आरएसएस से जुड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है एनसीईआरटी। राजनीतिक पर्चे छापना या दुष्प्रचार एनसीईआरटी का काम नहीं। राजनीति विज्ञान की किताब में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, हमारे देश के संविधान पर हमला कर रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नागपुर या नरेंद्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नहीं। आज एनसीईआरटी की सभी पाठ्य पुस्तकें संदिग्ध गुणवत्ता वाली हैं। अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने एनसीईआरटी के फैसले को संविधान के विपरीत बताया है। शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए, अब तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूँ कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकास्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन न पढ़ाया जाए, युद्ध न पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, बच्चों को हिंसक और दुखी नहीं बनाना चाहते। स्कूल किताबों में ऐसी घटना का जिक्र सही नहीं। ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम के सिलेबस में बदलाव किया है। पिछले 10 साल में एनसीईआरटी 4 बार संशोधन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।